बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लाए हैं, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। तो पहले सभी अपना अपना नाम बताओगे? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद अर्बन। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज पूंछ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा पूंछ का टूर है, तो कंप्लीट कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह को एक्सप्लोर कर सकूँ। तो आज का हमारा जो ट्रिप रहेगा, बुड्ढा अमरनाथ शिव टेंपल है, बहुत ही प्रसिद्ध शिव टेंपल है यहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यूज़ भी हैं, और साथ में एक नदी है, बहुत बड़ी नदी बहती है, तो वहाँ भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और गुरुद्वारा साहब भी वहाँ पे है, वहाँ पे भी जाएंगे हम। तो रास्ते को पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर करते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। काफ़ी दूर है यहाँ से। तो फाइनली गाइस, हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी पे अपने व्लॉग की तरफ, जो मैंने आपको बताया था बुड्ढा अमरनाथ जा रहे हैं, शिव टेंपल है वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, आप भी इन्जॉय करना मेरी वीडियो को, तो इन्जॉय करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं आप सभी। तो बस बहुत ही बढ़िया व्यू, बहुत ही मिसमराइजिंग व्यू यहाँ पे। और ये जो घर दिख रहे हैं आपको, सबके जो शेड होंगे, जो चमक रहे हैं, सभी घर हैं ये लोगों के। ये छोटी छोटी शॉप, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये छोटी सी मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे गुजर बकरवाल जो यहाँ पे रहते हैं, अपना सामान वगैरह यहाँ से लेके जाते हुए, जो यहाँ से मूव करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो काफी ज्यादा इनके शैकलू। तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं, तो अभी जर्नी हमारी बाकी है, तो डिस्टेंस भी अभी काफी रहता है हमारा। तो यहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट भी है, यहाँ पे एंटर करने से पहले यहाँ पे चेकिंग भी होती है कभी कभी। तो इसलिए गाइस, अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी सेफ्टी के लिए जो भी आपके आईडी या कुछ भी है, तो अपने साथ में ज़रूर कैरी करें। आप देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू है यहाँ का, सैकलू जगह है, बुड्ढा अमरनाथ के रास्ते पे आती है ये जगह, तो आर्मी चेक पोस्ट के बिल्कुल पास। और ये देख सकते हो यहाँ पे खेती वगैरह भी होती है, फसल वगैरह काट दी है इन लोगों ने, अभी ये जो फसल काट के इन्होंने अभी रख दी हुई है। तो माउंटेन व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ का, अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप सबको भी। तो होप आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे इस व्यू को भी। तो आप जब कभी भी कहीं से भी आए, तो यहाँ पे भी विजिट करें, काफ़ी अच्छी प्लेस है ये, तो यहाँ पे विजिट करें, इन्जॉय करें, और काफ़ी कूल एनवायरनमेंट है यहाँ का भी। और धूप के साथ साथ ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आते हुए, बच्चों हाय बोलो सबको, कहाँ से आ रहे हो, ट्यूशन से आ रहे हो, कहाँ पे रहते हो आप, पेट्रोल पंप के पास, तो जगह का क्या नाम है, सेकलू, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप सब? अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, तलीना, अलीना, आपका अलीमा। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पाँच पाँच छः छः साल के, फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, सेकलू में रहते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो बच्चों चलो, आप जाओ, जा रहे हो आप, जाना है आपने, अच्छा ठीक है, तो बाय बाय कर दो सबको। तो ये बच्चों के लिए यहाँ से कुछ लेने वाले हैं, चॉकलेट बिस्किट वगैरह लेंगे, उनको देंगे। तो काफ़ी प्यारे बच्चे थे, यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं, काफ़ी दूर पैदल चल के जाते हैं, तो हम उनके लिए कुछ लेने के लेके इनको देंगे। पीछे हमें शॉप नहीं मिली थी, आगे जाके हमें शॉप मिली है, तो बच्चों के लिए हम कुछ लेंगे, तो हम उनको देंगे कुछ खाने पीने के लिए, कुछ उनको सामान देंगे, छोटा मोटा बिस्किट या चॉकलेट वगैरह कुछ लेके देंगे बच्चों को। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, प्यारे प्यारे बच्चे थे, बहुत ही प्यारे बच्चे यहाँ के।
तो ये छोटा सा बाज़ार है, छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, बाइक की सर्विसिंग वगैरह होती है। सैकलू जगह का नाम है और इस जगह पे पेट्रोल पंप भी है। अगर कभी पेट्रोल फ्यूल कभी कम हो तो सैकलू पे इस लोकेशन पे आ रहे हो तो सैकलू के पास एक पेट्रोल पंप भी पड़ता है, तो आप वहाँ से अपने गाड़ी को रिफिल कर सकते हो, रिफ्यूल कर सकते हो। ये है आपके लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बुड्ढा बनराज, तो पुल पे हम पहुंच चुके हैं। ये आर्मी पुल है ये, और ये एक इकलौता रास्ता है यहाँ से बुड्ढा अमरनाथ मंदिर जाने का। और रास्ते का व्यू मैंने आपको दिखाया, बहुत ही अच्छा व्यू था, काफ़ी इंजॉय किया हमने। और यहाँ पे मेरे सामने एक मस्जिद भी है, तो यहाँ पे छोटी सी मार्केट भी है, तो लोग जो यहाँ पे रहते हैं यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से लेते हैं। मस्जिद भी यहाँ पे है और गुरुद्वारा भी यहाँ पे है, और यहाँ पे लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है आपस में, जो सभी मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है जो मिलजुल के रहते हैं लोग। मैंने आपको बताया कि आज हमारा विजिट था बुड्ढा अमरनाथ, शिव जी का टेम्पल है यहाँ पे, तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आपको हम लेके जाएंगे, दर्शन करवाएंगे, चलते हैं गाइस, आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे शूज़ वगैरह आप उतार सकते हो अपने, शूज़ उतारने के बाद आप मंदिर में एंट्री करें, दर्शन करें, और आगे का आपका जो नज़ारा मैं आपको साथ साथ में व्यू दिखाता रहूँगा अपना। मंदिर जो मैंने आपको बताया बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे व्यू दिख रहा है, और मंदिर के बैक साइड पे बहुत ही अच्छा माउंटेन व्यू भी है साथ में, तो चलते हैं गाइस, दर्शन करते हैं, तो आपको भी दर्शन करवाएंगे। पीछे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको भी दर्शन करवाने जा रहे हैं, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे बुड्ढा अमरनाथ जी,
दर्शन करें चारों तरफ से, बहुत ही अच्छा है। शिव जी के दर्शन करें आप यहाँ पे, और तो गाइस ये मंदिर का व्यू, ये बुड्ढा अमरनाथ, ये यहाँ पे पुजारी जी हैं। इनसे हमने पूछा है कि कहाँ पे है वो पत्थर जो पानी पे तैर रहा, तो जो आज तक पानी पे ही तैरता है, कभी भी डूबता नहीं है पत्थर वो, तो यहाँ से वो रास्ता है। तो गाइस ये वो पत्थर है, आपको दिख रहा होगा, ये डूबता नहीं है, पानी में तैरता रहता है। तो दर्शन करें आप भी यहाँ पे, जो महापुरुष रहे उन सब के ये फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो जो संत महंत यहाँ पर उनकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई है। तो ये शिवलिंग, जय भोले शंकर, और ये हनुमान जी की मूर्ति है, और ये भगवान राम राम लक्ष्मण और सीता मैया की मूर्त यहाँ पे लगी हुई है। आज यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ये आए यहाँ पे, बेटा आप कहाँ से आए हो? अनुमान से आए, कहाँ से आए हो आप? हम बच्चों से आए हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा और इसकी ये छोटी बड़ी बहन है, बस्ती से भी आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो फैमिली हमने दर्शन कर लिया, अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए, और यहाँ डिटेल सब भी था और नहीं तो दीजिए। तो ये भी गुरुद्वारा साहब है, तो यहाँ पे भी हम दर्शन करने के लिए आए हैं, हम दर्शन करेंगे तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो ये गुरुद्वारा साहब BSF दोबारा बनाया गया है, और दर्शन नसीब कर लें, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया इतने दर्शन करके। और तो अस जा रहे हैं दोबारा दर्शन करने तो बाद, और अपना जो ब्लॉग है आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया गुरुद्वारा साहब जो आर्मी द्वारा बनाया गया है, गुरुद्वारा डेडिकेटेड बाय श्री SK वाधवा कमांडेंट 19 बटालियन BSF। 1999 को ये गुरुद्वारा साहब स्थापित हुआ था यहाँ पे, तो ये गुरुद्वारा साहब की यहाँ पे नींव पत्थर रखा गया था, तो ये आर्मी द्वारा बनाया गया है गुरुद्वारा साहब। तो आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के ट्रिप को, और काफ़ी अच्छा लगा होगा, हमने आपको माउंटेंस व्यू दिखाया, छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जो कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ट्यूशंस वगैरह पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में जल्दी ही मिलेंगे। सो गाइस कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज वॉचिंग ट्रैवल विद अर्बन। सो गाइस हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।